पाँच माह का रिकॉर्ड होगा। 24 घंटे में 1,700 पॉजिटिव, 17 दिसंबर 2020 के बाद का यह सर्वाधिक आंकड़ा। इस साल फरवरी से मरीजों की संख्या बढ़ रही लगातार। मध्य रेल जोन के तहत नागपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए करने की तैयारी है। इसके अलावा भुसावल मंडल के तहत नासिक रोड, मनमाड़, जलगांव, भुसवार, शेगांव, अकोला, बडनेरा, अमरावती और खंडवा स्टेशन पर 50 रुपए की दर से प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। मध्य भारत में हवा का रुख बदलने से नागपुर व आसपास के जिलों में गुरुवार व शुक्रवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और तेज धूप से थोड़ी राहत मिलेगी। ट्रेनों में कोरोना का डर दिखाई दे रहा है। मार्च माह में होली का त्योहार है, बावजूद ट्रेन खाली नजर आ रही है। मुंबई पुणे हवा जाने वाली गाड़ियों में 9 के बराबर रश है। नंदनवन थाना अंतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग से दो युवकों द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया। आरोपी के नाम सिद्धांत अनिल पिल्लेवार और बंटी किशोर सोनटके बताए गए हैं। शहर पुलिस की एनडीपी स्क्वाड ने सीतावड़ी थाना अंतर्गत एक युवक को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम निराला सोसाइटी दिघोरी निवासी फैजाल अब्दुल शेख बताया गया। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व गुरुवार 11 मार्च को है। हर वर्ष यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन गत एक वर्ष से कोरोना के साए के कारण यह पर्व सादगी से मनाया जा रहा है। यशवंत स्टेडियम के पास पाव भाजी के ठेले पर काम करने वाले नौकर से 1,000 रुपए की हफ्ता वसूली के लिए मारपीट की और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। पेंच टाइगर प्रोजेक्ट में एक बाघिन के साथ हुए संघर्ष में बाघिन अवनी की शावक घायल हो गई। कुछ दिन पहले ही इस बाघिन को जंगल में खुले वातावरण में छोड़ा गया था। मनपा के प्रवर्तन विभाग के दस्ते ने शहर के अलग अलग जोन में कार्रवाई को अंजाम देते हुए कुल 306 अतिक्रमणों का सफाया किया, साथ ही दो ट्रक सामान भी जब्त किया।